नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। ईद मिलाद उन नबी पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दी बधाई, बोले पैगंबर मोहम्मद के जीवन से ले प्रेरणा। कश्मीर में आतंकी हिंसा से निपटने को सरकार ने कसी कमर, एनआईए, आईबी और रॉ के वरिष्ठ अधिकारियों ने डाला डेरा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले से भड़की तस्लीम नरसीन, कहा देश रो रहा, हजारों हिंदू हो गए बेघर। अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमा पर सेना ने बढ़ाई ताकत, रुद्र, ध्रुव और चीता हेलीकॉप्टरों को किया गया तैनात। केरल में 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी, रोकी गई सबरीमाला यात्रा, मरने वालों की संख्या 35 हुई, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। यूपी ने 12 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाकर बनाया रिकॉर्ड, सोमवार को 18 लाख से ज्यादा लगे टीके। भाजपा विधायक और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष समेत 3 को 5-5 साल की सजा, अयोध्या में 28 साल बाद आया फैसला। बारिश में बहे किसानों के अरमान, तेज हवा से धान और गन्ना खेतों में गिरा, आलू सहित सब्जियों को भी नुकसान। दक्षिण अफ्रीका ने रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को नहीं दी मंजूरी, एचआईवी फैलने का है डर। पीएम नरेंद्र मोदी कल करेंगे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे। चीन में कोरोना संक्रमण की फिर दहशत, उत्तरी शहरों में लगा लॉकडाउन, सड़कें हुई सूनी। अमेरिका ने की बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की निंदा, बांग्लादेशी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन। अफगान शांति प्रक्रिया के नए अमेरिकी दूत थॉमस वेस्ट खालिलजाद ने किया इस्तीफा, ब्लिंकन ने कहा। बांग्लादेश में नहीं थम रहे हिंदू समुदाय पर हमले, इस्कॉन मुख्यालय में 82 देशों के लोगों ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान में इमरान सरकार पर विपक्ष का हमला, देश भर में प्रदर्शन करेगा पीडीएम। इंग्लैंड को लग सकता है बड़ा झटका, भारत के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन करने वाले लिविंगस्टोन चोटिल हुए। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से रौंदा, ईशान और कोयल राहुल का अर्धशतक। आईपीएल 2021 से लौटे ऋतुराज गायकवाड़ का हुआ ट्रेडिशनल स्वागत, मां ने उतारी बेटे की आरती। भारतीय महिला तलवारबाज भवानी देवी का कमाल, फ्रांस में जीता खिताब। पूर्व भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन बने बांग्ला टाइगर्स के ब्रांड एम्बेसडर। रिया चक्रवर्ती ने शेयर की सेल्फी, भाई शौविक के साथ की ट्विनिंग। कंगना रनौत की धाकड़ के रिलीज डेट का ऐलान, कंगना, अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता अभिनीत ये फिल्म 8 अप्रैल 2022 को होगी रिलीज। सूर्यवंशी के प्रमोशन में पहुंची कैटरीना कैफ ने साड़ी मिठाया कहर, फोटोज पर फिदा हुए फैन। फिल्म सूर्यवंशी के पहले गाने में अजय रणबीर के साथ नजर आएंगे अक्षय कुमार। व
वन माइक स्टैंड टू में स्टैंड अप कॉमेडी करते दिखेंगे चेतन भगत, उड़ाएंगे खुद का मजाक, कही ये बड़ी बात। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।